छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना में धोखाधड़ी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जगदलपुर के संजय गांधी वार्ड की महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी नेताओं के साथ छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। महिलाओं ने राज्यपाल को बताया कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने का सपना देखा था। पार्षद कोमल सेना ने प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलाने के एवज में 40 से ज्यादा लोगों से 25-25 हजार रुपए लिए। राज्यपाल से अपना दर्द बयां करते हुए कुछ महिलाएं रो पड़ी। राज्यपाल ने सभी महिलाओं को आश्वासन दिया है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा, वे अधिकारियों से बात करेंगी। इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी राज्यपाल के आश्वासन के बाद धरना स्थगित कर दिया। जगदलपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने बताया कि राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने करीब एक घंटे तक इसी विषय पर चर्चा की। राज्यपाल ने 7 दिनों के अंदर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। महामहिम से मिले आश्वासन के बाद हमने धरना केवल स्थगित किया है, लेकिन जब तक कार्रवाई नहीं होती विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन नगर बंद का आह्वान किया उस दिन सरकार के इशारे में पुलिस ने धरना स्थल में लगाए गए तंबू को उखाड़ फेंका, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, फिर भी आंदोलन जारी रखा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में जब से कांग्रेस सत्ता में आई है तब से कांग्रेसियों को भ्रष्टाचार करने, भय फैलाने का लाइसेंस मिल गया है। यह सब कुछ प्रदेश के मुख्यमंत्री के इशारे पर हो रहा है। बस्तर में जो आवास घोटाला हुआ इसकी जांच को लेकर कुछ भी नहीं हो रहा। हमारे कार्यकर्ता लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन पर पुलिसिया कहर बरपाया जा रहा है। अपने हितों के लिए अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाना कांग्रेस का जन्मसिद्ध अधिकार बन गया है और इसी रास्ते पर कांग्रेस के कार्यकर्ता चलकर सत्ता के आनंद में मस्त हैं। पार्षद कोमल सेना पर प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। वार्ड के 40 से ज्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री आवास का लाभ लेने के लिए 25-25 हजार रुपए महिला पार्षद को दिए थे। साल 2020 में वार्ड में घूम घूम कर लोगों से कहती रही कि एक ऑफर आया है, 25 हजार रुपए दो और प्रधानमंत्री आवास पाओ, लेकिन यह ऑफर केवल झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए है। वहीं पार्षद ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को निराधार बताया है। वहीं प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर कमीशन खोरी के आरोपों से घिरी जगदलपुर नगर निगम की कांग्रेसी पार्षद का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। लगभग 1 मिनट के इस वीडियो में पार्षद वार्ड वासियों को धमकी देते हुए दिख रही हैं। पार्षद कह रही हैं कि जब तक मेरा हुक्म चलेगा तब तक मैं यहाँ तुम लोगों को रहने नहीं दूंगी, पैसा लौटा दूंगी लेकिन अब घर नहीं दूंगी। कलेक्टर बोले कि काम हो जाएगा लेकिन अब देखना है इन लोगों का मैं क्या करती हूँ। इस वीडियो को वार्ड की महिलाओं ने बनाया और सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।